राधे कृष्णा टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ सचिन यादव फ्रॉम नीमराणा इन राजस्थान स्टेट। आई एम एन एमएससी इन मैथमेटिक्स। आई विल ट्राई टू मेंटेन माय 100% आउटपुट इन दिस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अभी तक जो भी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया है उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोल रखा है, री राइट द फॉलोइंग सेट्स बाई लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। ये आपको लिस्टिंग फॉर्मेट में लिखना है, मतलब जो रोस्टर फॉर्म है ना वो रोस्टर फॉर्म आपको इन सेट्स के लिए बनानी है। तो जो फर्स्ट में नंबर वन है उस पे आते हैं, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। ओके, नंबर वन देखो क्या बोल रखे इसने, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। यानी वो पॉजिटिव इंटीजर जो 30 और 45 के कॉमन फैक्टर हमको दे। अब देखो फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस किस के, 30 के और 45 के। फैक्टर का मतलब इनमें कौन कौन डिवाइड करता है, ठीक है, वन भी करता है 30 में, और कौन करता है, टू भी डिवाइड करता है, थ्री भी करता है, और कौन करता है 30 में सिक्स कर फाइव करता है, 30 में सिक्स भी डिवाइड करता है, 30 में 10 भी डिवाइड करता है, ठीक है, और 15 भी डिवाइड करता है। इट्सेल्फ ये तो है ही, 30 में 30 तो डिवाइड करता ही है, ठीक है। ये सारे के सारे इस 30 के फैक्टर हैं। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर भी तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, ठीक है। आप बोलोगे सर प्लस सिक्स है तो माइनस सिक्स भी तो इसमें डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। ये सारे नंबर नेगेटिव अगर हो तो वो भी इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेने हैं तो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव को लिखा है, ठीक है। ऐसे ही 45 में कौन कौन डिवाइड करता है, 45 में वन तो सभी में करता ही है, ठीक है। उसके बाद 3 भी इसमें डिवाइड करता है, और 5 भी 45 में डिवाइड करता है, 9 भी 45 में डिवाइड करता है, ठीक है, 15 भी 45 में डिवाइड करता है। इट्सेल्फ 45 तो 45 में करता ही है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स आए और ये जो फैक्टर्स आए इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है ना उनका आपको सेट बनाना है। और ये आपको पता है सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। सपोज मैं सेट ए लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। वन दोनों में बिल्कुल है तो यहाँ पे वन आएगा, और देखो टू इसमें है इसमें नहीं है तो टू नहीं लेंगे, कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। थ्री दोनों में आ रहे हैं तो थ्री को शामिल करेंगे, फाइव दोनों में आ रहे हैं फाइव को शामिल करेंगे, सिक्स इसमें है इसमें नहीं है नहीं लेंगे, टेन इसमें है इसमें नहीं है नहीं लेंगे, फिफ्टीन दोनों में है तो फिफ्टीन को लेंगे, और कोई नहीं है। तो ये जो मैंने कॉमन एलिमेंट लिखे, ठीक है, किसके, 30 और 45 के जो कॉमन फैक्टर्स है ना वो जो एलिमेंट है उनका मैंने कलेक्शन कर दिया, उनका मैंने सेट बना दिया एक, ठीक है। तो ये जो सेट आपने बनाया ये लिस्टिंग फॉर्मेट है, मतलब रोस्टर फॉर्म है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसको इरेज करता हूँ और सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड में इसने क्या बोल रखे हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद के अलावा खुद जिनका खुद में ही डिवाइड हो, मतलब खुद के अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो। जैसे टू, टू में टू से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, थ्री में थ्री से होता है, फाइव में फाइव से होता है, सेवन में सेवन से होता है। सिक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि सिक्स में खुद के अलावा टू से भी हो रहा है थ्री से भी हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, केवल खुद से ही होना चाहिए। वन तो सभी में करता ही है, वन को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो वो खुद से ही डिविजिबल होना चाहिए। वन थ्री, ये टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन और नाइनटीन, सेवनटीन भी हो गया, नाइनटीन हो गया, ट्वेंटी थ्री हो गया, ये बहुत से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं 1 to 100 की बात करूँ तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके। लेकिन इनमें से आपको केवल वही एलिमेंट लेना है जो इवन हो। अब बताओ इनमें इवन कौन, इवन का मतलब क्या था, जो टू से डिविजिबल हो। तो ये जो भी नंबर है कोई भी टू से डिविजिबल नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है जो टू से डिविजिबल है, यानी इवन नंबर। इन सभी में जो भी आप देख रहे हो इवन नंबर कौन है, वो टू ही है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो मैं बता रहा था 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये जो प्राइम नंबर की लिस्ट आप देख रहे हो आगे कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। क्यों, अगर गलती से इवन नंबर आपने लिख दिया, सपोज 24 लिख दिया, तो वो तो टू से डिविजिबल हो गया, फिर वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो टू ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं सेट बी से डिनोट कर देता हूं। सेट बी, सेट बी में क्या आएगा, एक की एलिमेंट और वो कौन, टू। नंबर थ्री, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं।
अब देखो नंबर थ्री में क्या बोल रखा है इसने, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें जो भी लेटर्स हैं उनका आपको सेट बनाना है, ठीक है, उसको मैंने सी से डिनोट कर दिया। तो अब सी में क्या क्या आएंगे, ये जो भी आप लेटर देख रहे हैं ना मैथमेटिक्स में, एम है, ए है, टी है, ये सारे के सारे आपको लेने हैं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, यानी एक लेटर अगर आपने लिख दिया तो दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैथमेटिक्स का मैंने एम लिख दिया, फिर कोमा लगाओ, अब ए, ए को लिखा, उसके बाद मैथमेटिक्स की मीनिंग में और कौन है, टी है, टी को लिख दिया, फिर कौन है, एच है, एच को लिखा, ई को लिखा, ई के बाद फिर से एम आ गया, और एम आप पहले लिख चुके हो तो अब उस एम को शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद ए आ रहा है, ए को हम लिख चुके हैं, ठीक है, टी, टी भी लिख चुके हैं, आई सी एस वो नहीं लिखे हैं, तो आई भी आएगा, सी भी आएगा, एस भी आएगा, आई सी एस, ये सेट बन जाएगा। नंबर फोर, नंबर फोर में क्या कह रहा है, x डिफाइन एज सच दैट 4x माइनस 15 लेस देन 29। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये क्या कह रहा है, 4x माइनस 15 लेस देन 29, और कंडीशन ये रखिए x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, n से बिलोंग कर रहा है। तो अब यहां से अगर मैं 15 को रिमूव करूं तो बोथ साइड 15 ऐड करूंगा, तो 15 इसमें ऐड करूंगा तो 15 कैंसिल, और इधर ऐड करूंगा 29 प्लस 15 हो जाएगा, मतलब 4x लेस देन कितना आएगा, 44, ऐड करोगे तो 44। अब x अगर मैं निकालना चाहूं तो 4 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो इधर आएगा 11। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 11 है, 11 से कम है, और 11 से कम आप बोलोगे सर जीरो तक चले जाएंगे और पीछे माइनस में भी चले जाएंगे, नहीं भाई, यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से x बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 11 से कम आपको नेचुरल नंबर लेने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11 ले क्या, 11 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसने x लेस देन 11 बोल रखा है, 11 से कम बोल रखा है, ये नहीं बोल रखा 11 है, अगर ये सिंबल होता ना तो हम 11 को शामिल करते, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 11, 11 से कम या 11 तक तो उसको शामिल करते, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, तो इक्वल का साइन नहीं है तो इसको शामिल नहीं करेंगे। तो अब क्या क्या नंबर आएंगे आपके पास, 1 से लेके 10 तक, तो उसका मैं कलेक्शन करूं तो उस सेट को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, उस सेट को मैंने डी बोल दिया, उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 भी आएगा, ये आएंगे आपके पास। ओके, नंबर फाइव, नंबर फाइव में देखो क्या है, x डिफाइन है सच दैट x इज इंटीजर, इंटीजर मतलब पूरे पूरे नंबर, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, और कंडीशन ये रखी है कि जो x है वो 9/2 इससे कम है और -1/2 इससे बड़ा है। एक बार आप इसको डेसिमल में लिख के देखो क्या आएगा, 0.5, और इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है, 4.5। तो ये कह रहा है कि जो x है ना वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, कंडीशन क्या है, x इंटीजर भी है, यानी पूरे पूरे नंबर। अब -0.5 से बड़ा बताना आपको इंटीजर जो कौन आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 4 को लेना है, 5 को नहीं लेना, क्यों, क्योंकि x क्या कह रहा है, 4.5 से कम है, सपोज यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है मान लो 4.5, तो x कह रहा है इससे पीछे रहना है, तो इससे पीछे 4 भी तो आ गया, 5 थोड़ी आएगा, 5 तो आगे खिसक गया, ठीक है, तो 4 को भी हम काउंट करेंगे इंटीजर में यहाँ पे इस कंडीशन के लिए, तो 0 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट हो जाएंगे, तो उसको मैंने सेट ई बोल दिया, और ई सेट में ये एलिमेंट हमको लिखने हैं, क्या क्या है, 0 1 2 3 एंड 4, तो ये हमने इन सभी सेट्स के लिए लिस्ट बना दी है, यानी रोस्टर फॉर्म हमने बना दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये रोस्टर फॉर्म की ही बात कर रहा था जो कि हम लिख चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखे इसने, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये फॉर्मेट आपको मिल रहा है, ऐसे डेफिनेशन फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो देखते हैं सेकंड में फर्स्ट वाले को। यहां पे आपके पास सेट क्या है, सपोज इसको मैं ए सेट बोल देता हूं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस टाइप से है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं, और ये इनफाइनाइट सेट है, डॉट 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 लग रहा है इसका, मतलब आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
कोई एक एलिमेंट लोगे, आप सपोज एक्स ले लिया और उसको डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, कोलन लगाओगे। इसका मतलब क्या है, एक्स डिफाइंड एज सच दैट, किस तरीके से डिफाइन है कि जो एक्स है ना वो टू का मल्टीपल है, मतलब टू एन टाइप का है। तो यहाँ पे एन आपको बताना पड़ेगा वेयर, यहाँ पे जो मैंने कोमा लगाया ना इसका मीनिंग वेयर से है, ठीक है, वेयर समझोगे आप, इसको लिखना नहीं आपको, बस कोमा लगाना है। वेयर जो एन आपने लिया वो कहाँ से लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया, मतलब वन जा टू जा थ्री जा फोर जा एंड चलता जाएगा, ठीक है। आप एन इक्वल वन पुट करोगे तो टू इंटू वन पहली टर्म आएगी, पहला नंबर आएगा, टू पुट करोगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, थ्री पुट करोगे तीसरा आएगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने बिलोंग करवा दिया, ओके। तो ये इसका लिस्टिंग फॉर्मेट से हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है। नंबर टू पे आ जाओ, नंबर टू में क्या है, सपोज सेट बी है और उसमें आपके पास एलिमेंट है सिक्स टेन फोर्टीन एटीन, बस ये चार एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे को एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, क्या सिक्स में जब मैं फोर ऐड करूंगा तो मेरे को टेन मिल रहा है, टेन में फोर ऐड करूंगा तो फोर्टीन मिल रहा है, फोर्टीन में फोर ऐड करूंगा तो एटीन मिल रहा है। और ऐसा आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा होता है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूं तो वो nth टर्म ये क्या है, ये nth टर्म को डिनोट करते हैं, जो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे हो ना, n फॉर्मेट में बता रहे हो, तो वो एक तरीके से nth टर्म ही है, nवें नंबर पे जो टर्म है वो। तो an क्या बनेगी इसके लिए, an आपने अगर पढ़ रखा हो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मेट होता है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आगे जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो ap वाला ही कर लेंगे, ठीक है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। a क्या है, सिक्स प्लस एन, वो तो नहीं है हमारे पास, इंटू डी, डी कितना है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, चार का है। अब इसको तमीज से लिख दो, सिक्स प्लस फोर को मल्टीप्लाई करो, फोर एन माइनस फोर, तो ये बनेगा सिक्स माइनस फोर टू, और फोर एन प्लस में है यानी फोर एन प्लस टू। इसका मतलब आपको ये वाला लिखना है, ठीक है, जो सेट डिफाइन होगा ना इस फॉर्मेट में बनेगा, किस फॉर्मेट में, फोर एन प्लस टू में। ध्यान रखना मैं सीधा लिखूंगा फोर एन प्लस टू, इसको इरेज करके, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते थे, देखो ये भी तो ap है तो इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। चलो मैं बता देता हूँ, a क्या है, देखो 2 प्लस n नहीं है, माइनस वन इंटू डी, डी देखो कितने हैं 2 है, d कैसे निकालते हैं, a2 टू माइनस ए वन करके। अब इसको सोल्व करो, 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा 2n, वही तो आपने डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसके लिए क्या बन रहा है, 4n प्लस 2, अब मैं इसको 4n प्लस 2 लिखूंगा, ठीक है, ओके। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, जब आप इसमें n इक्वल वन पुट करोगे तो क्या मिलेगा, फोर वन जब फोर प्लस टू पहली टर्म, टू पुट करोगे तो दूसरी, थ्री पुट करोगे तीसरी, और फोर पुट करोगे तो चौथी टर्म आएगी। इसका मतलब आपको n क्या लेना है, n क्या लेना है, आपको एक से चार तक लेना है, ये इसको रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। अगर मान लो आपने ये लिख के छोड़ दिया तो आप n कुछ भी ले सकते हो, जरूर थोड़ी चार ही, लेकिन आपके पास एलिमेंट चार ही है। अगर आपने n इक्वल फाइव पुट कर दिया तो फाइव फोर चार ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड करना है इसको n को, ओके। तो अब देखो कैसे लिखा जाएगा 4n प्लस 2 को, तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं, सेट b इक्वल एलिमेंट x डिफाइन एज सच दैट x इक्वल 4n प्लस 2, और वेयर n को रिस्ट्रिक्टेड कर दो, n की वैल्यू एक लोगे और n की वैल्यू चार तक लोगे, चार से कम भी लोगे, एक से ज़्यादा भी लोगे, n इक्वल वन भी लोगे तो इक्वल लगाओ, वन पुट करोगे तो पहली टर्म आएगी ना, वन आपको लेना पड़ेगा, और चार लोगे तो लास्ट टर्म आएगी, तो फोर को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन हमने दे दिया इसको, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। ऐसे ही आपको थर्ड करना है, चलो थर्ड मैं लिख ही देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ अब मैं, है ना, शॉर्ट में। सपोज ये सेट C है, क्या बनेगा, देखो ये पहले वाले वन का स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है, और ऐसे हंड्रेड टेन का स्क्वायर है। तो क्या लिखे इसको, x डिफाइन एज सच दैट x इक्वल n स्क्वायर। अब यहाँ पे वेयर n आपने क्या क्या लिया, वन लिया, वन से बड़ा भी लिया, कहाँ तक, टेन लिया, टेन से छोटा लिया, ये n है, n n, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि सर इसमें देखो, हाँ एक चीज और लिखना बोल गए, यहाँ पे जो n है वो एक से और चार के बीच में आपको लेना था, ठीक है। तो ये जो n है
इसको अगर आप पॉइंटों में ले लेते तो बिल्कुल ले सकते थे, 2.5 ले सकते थे, लेकिन 2.5 पे ऐसी कोई टर्म नहीं आती, तो एक रिस्ट्रिक्शन और देना है कि जो n है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आपको लेना है, ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ये और मेंशन करना है, तो इसको भी हम करना भूल गए, यहाँ पे कर देते हैं, वरना n डेसिमल में भी हो सकता है अगर आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया नेचुरल नंबर वाला तो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कोमा लगा के n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब ये पूरा है। ऐसे ही इसमें ये जो n है इसको भी आप क्या कर रहे हो, ये रिस्ट्रिक्शन दे रहे हो कि जो n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू कैपिटल n, अब ये पूरा है, ठीक है। नंबर फोर देखो, फोर में क्या है, अब फोर में आप देख रहे होंगे, सपोज मैं इसको सेट d बोल देता हूँ, तो ऊपर तो सभी में वन चल रहा है, x डिफाइन एज सच दैट x इक्वल, ऊपर तो सभी में वन है, ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे फोर की टेबल है, फोर वन जा फोर टू जा, सॉरी फोर नहीं है, फोर नहीं है, फोर वन जा टू जा, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, टू की पावर में आ रहे हैं, देखो वन की नीचे क्या है, टू की पावर टू तब फोर है, अगली टर्म में टू की पावर थ्री है, अगली टर्म में टू की पावर फोर है, अगली टर्म में टू की पावर फाइव है, अगली टर्म में टू की पावर सिक्स आ रहा है, तभी तो 64 बन रहा है। इसका मतलब टू राइज टू पावर में क्या कर दूं, एन कर दूं, ठीक है, और एन रिस्ट्रिक्टेड है कि आपने टू से लेके सिक्स तक लेना है एन, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन हम देंगे, और टू से सिक्स तक क्या सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, इसको रफ करके, टू ये जो एन है वो दो से छह तक लेना है हमको, और कंडीशन क्या नेचुरल नंबर वाली, तो यहां पे लिखा मैंने वेयर जो एन है वो दो भी है और दो से बड़ा भी है, टू भी है और मोर देन टू वो भी दो से बड़ा भी है, और छोटा किससे, छह तक चलना है, छह या उससे कम, यहां तक आपको वैल्यू लेनी है, और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी मेंशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड, अब नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड में क्या बोल रखा है, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये जो आपके पास सिक्स सेट्स हैं इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट पे आते, पहले फर्स्ट में क्या बोल रखा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सपोज ये सेट ए है, ठीक है, तो ये कह रहा है 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 100 हो गया, 100 से बड़ा बता रहा है ना, तो 100 नहीं लेना, उससे बड़ा मतलब 101 यहां से स्टार्ट करना है, और इंटीजर की बात कर रहा है तो इससे अगला इंटीजर क्या आएगा 102, और पॉजिटिव की बात कर रहा है तो पीछे तो जाने नहीं, इससे बड़े बता रहे हो तो प्लस का ही आएगा, 103 हो गया, एंड सोन कहां तक लोगे, चलता ही जाएगा, ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, तो लिखो इसको इज इनफाइनाइट सेट, क्या आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट नंबर से एलिमेंट्स के, ठीक है, इज इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर टू, सेकंड में क्या बोल रखा है, इसको सपोज मैं सेट बी बोल देता हूं, तो सेट बी में क्या आएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, अब इसने फिक्स कर दिया कि 99 से आगे नहीं जाना, तो 99 से आगे नहीं जाना, तो 1 से 100 तक अभी मैंने आपको नेचुरल वो सॉरी प्राइम नंबर बताए थे, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर लिखे थे हमने, 25, क्या क्या थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, और 81, 62, 73, 79, और कौन है 81 वाले टेबल में 83, 89, और लास्ट वाले में 97, एक ही होते हैं, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितने आए, 25, लेस देन 99 है, इसने यही तो बोल रखा था कि 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर है उनका कलेक्शन कर दो, अगर मैं इनका एक सेट बना दूं, ठीक है, तो अब आप काउंट कर पा रहे हो उसमें कितने एलिमेंट, बिल्कुल कितने आए, 25 आए, ठीक है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर पा रहे हैं, कितने हैं, 25 हैं, तो मैं लिख सकता हूं जो बी है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, बी की कार्डिनलिटी 25 है, कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, जिसकी कार्डिनलिटी पूछी जाती है, ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे ना लिख के क्या लिख दूं,
एन बी लिख दूं, एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और वो कितने हैं 25, मतलब आपने काउंट कर दिए, ठीक है, तो काउंटेबल है ये, इसके एलिमेंट कितने हैं 25 है, तो ये तो फाइनाइट हो गए, सो बी इज फाइनाइट सेट। नंबर थ्री, थर्ड में क्या बोल रखे इसने, एक्स डिफाइन एज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दो आपके पास फैक्टर रखे हैं एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, और कंडीशन ये है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, तो ऐसा तो तब भी पॉसिबल है जब मैं एक्स इक्वल वन पुट करूं और एक्स इक्वल टू पुट करूं, दोनों को वन बाई वन जीरो कर लो, ठीक है, इसको जीरो करोगे तो एक्स इक्वल वन आएगी, इसको जीरो करोगे तो एक्स इक्वल टू आएगी, तो जब मैं वन पुट करूंगा इसमें तो क्या आएगा वन माइनस वन और ब्रैकेट वन माइनस टू, क्या आएगा जीरो इंटू समथिंग जीरो, सेटिस्फाई हो रहा है, वन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और जब मैं एक्स इक्वल टू पुट करूंगा तो क्या आएगा टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, ये तो क्या है वन और ये क्या है जीरो, कितना आया जीरो, इधर भी क्या है जीरो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, केवल और केवल दो ही ऐसी वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब एक्स की आपके पास दो वैल्यू आ गई और एक्स क्या था उनसे उन एलिमेंट्स का को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेट सी बोल दूं तो सी में कितने एलिमेंट आए, केवल दो एलिमेंट आए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन वन एंड टू, तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, दो एलिमेंट आए, एक तो वन आया और एक टू आया, तो दो एलिमेंट है काउंट आप कर पा रहे हो, ठीक है, तो एक ऐसा सेट हो गया फाइनाइट सेट, इज फाइनाइट सेट। नंबर फोर, देखो नंबर फोर में क्या बोल रखा है इसने, पहले मैं इसको रेज कर दूं, ओके, नंबर फोर में इसने बोल रखा है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस हमारा ये होता है ना हॉरिजॉन्टल, अब इसके पैरेलल ये लाइन भी है, इसके पैरेलल ये लाइन भी है, ऐसे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट ड्रॉ करोगे, नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट चलती जाएगी, ठीक है, तो ये कितनी लाइंस हैं, इनफाइनाइट होगी ना, तो अब ये कैसा सेट हो गया, तो इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, सपोज ये सेट डी है, क्या है डी, अरे डी, और डी क्या है सेट ऑफ ऑल लाइंस विच इज विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है कितनी है, क्या आप उनको काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो क्या बनेगा डी इज इनफाइनाइट सेट, डी इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। नंबर फाइव, फिफ्थ में क्या बोल रखा है सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर हैं 26, ठीक है, तो 26 है मतलब उसकी कार्डिनलिटी आपने बता दी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपने बता दिए कितने है 26 है, तो मैं उसको लिख सकता हूं एन ई, मतलब सेट ई में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 26 है जो कि फाइनाइट है, ओके, सो सेट ई इज फाइनाइट सेट, यही तो होता है फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट करके बता सको, और आपने बता दिया कितने 26 है, ठीक है। नंबर सिक्स पे आ जाओ, सिक्स में बोल रखे इसने सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव, देखो अगर ये फाइव के फैक्टर की बात करता तो फिक्स थे, वन और फाइव दो नहीं चार, प्लस वन भी है तो माइनस वन भी इसमें डिवाइड करता है, प्लस फाइव डिवाइड करता है तो माइनस फाइव भी डिवाइड करता है, तो चार फैक्टर थे इसके टोटल, ठीक है, लेकिन अगर बात करें मल्टीपल की तो मल्टीपल का मतलब होता है इसकी टेबल, तो फाइव जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड सो ऑन चलते जाएगा, कहाँ तक, अब आप बोलोगे सर फाइव की टेबल टेन तक होती है, नहीं टेन तक नहीं होती है, इलेवन जा ट्वेल्व जा आप मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है, फाइव को इलेवन से, फाइव को ट्वेल्व से, फाइव को थर्टीन से, कब तक करोगे, करते ही जाओ करते ही जाओ, खत्म ही नहीं होगा, काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, तो ये जो मल्टीपल वाला सेट है ये भी कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसका अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा, सपोज ए बी सी डी ई हो गया, एफ ले लेता हूँ मैं, तो एफ में कौन कौन एलिमेंट आएंगे जो फाइव के मल्टीपल है, फाइव वन जब फाइव आएगा,
फाइव टू जै टेन आएगा, फाइव थ्री जै फिफ्टीन आएगा, फाइव फोर जै ट्वेंटी आएगा, एंड सो ऑन, चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेट है ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, इज इनफाइनाइट सेट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में इसने क्या बोल रखे हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट, ऐसे दो आपके पास पॉइंट है, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ए और बी दोनों सेट को इक्वल बता रहे हैं। तो देखो फर्स्ट वाला जो आपके पास सेट है उसमें सेट ए क्या है, फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन, ठीक है, और सेट बी क्या है, एट फोर सिक्सटीन एंड एट। अब देखो इसमें एक एलिमेंट रिपीट हो गया एट, तो रिपीटेशन तो अलाउ है ही नहीं, इसका मतलब ये रियल में क्या है, ये रियल में एट फोर सिक्सटीन एलिमेंट वाला सेट है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक ही बार लिखो आप उसको, ठीक है। और इक्वल सेट कब होते हैं, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, एक दूसरे में हो सभी एलिमेंट, तो फोर इसमें है बिल्कुल है, एट इसमें भी है बिल्कुल है, ट्वेल्व इसमें है लेकिन ट्वेल्व इसमें नहीं है, इसका मतलब ए और बी सेट इक्वल नहीं है, आगे आपको चेक ही नहीं करना है, इसी का एक एलिमेंट अगर आपको नहीं मिला तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस ट्वेल्व ए में तो है, बिलोंग्स टू ए, बट 12 बी में नहीं है, डजेंट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। और भी एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन हमको कम से कम एक एलिमेंट मिल गया ना, सफिशियंट है। तो क्या लिखें, देयर फोर ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में बोल रखे इसने, सेट ए जो है वो आपके पास है टू फोर सिक्स एट टेन वाला एक सेट है, ये एलिमेंट है टू फोर सिक्स एट एंड टेन, और सेट बी एक्स डिफाइन है सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव इंटीजर और कैसा, इवन इंटीजर। अब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, आप बोलोगे सर इवन जीरो भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, यानी जीरो को यहां पर शामिल नहीं करना है क्योंकि इसने पॉजिटिव का जिक्र कर दिया, तो आपको टू से स्टार्ट करना पड़ेगा, इवन नंबर लेने आपको पॉजिटिव में, टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, टेन को लेके आप बिल्कुल ले, देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है लास्ट में, तो इक्वल है मतलब टेन को भी शामिल करना है, ये आपके पास सेट आएगा। अब इसमें जो एलिमेंट वही सारे इसमें है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो ए के हर एक एलिमेंट बी में और बी के हर एक एलिमेंट ए में है, तो क्या लिखोगे, हेयर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए, दिस इंप्लाइज जो x है जो भी आप एलिमेंट इसका ले रहे हो वो b में भी आ रहा है, बिलोंग्स टू b, और b का हर एक एलिमेंट a में आ रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ वाला केस कन्वर्स लगा दो इसके, ठीक है। इसका मतलब ये डेफिनेशन हमने कहां पढ़ी थी, ये इक्वल सेट में ही तो पढ़ी थी कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, वो कंडीशन ट्रू हो रही है, सो a और b दोनों कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट, ये जो आपके पास चार सेट है इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट है। नंबर वन, इक्विवेलेंट के लिए क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाना चाहिए, एलिमेंट क्या है वो सेम हो या ना हो लेकिन दोनों में एलिमेंट का नंबर सेम हो जाना चाहिए। अगर मैं पहले इस सेट की बात करूं एबीसी वाले की, इसको मैं सेट ए बोल देता हूं, ठीक है, तो सेट ए जो है वो है आपके पास ए बी सी, ये तीन एलिमेंट है इसमें, तो इसका नंबर मैं साइड में लिख रहा हूं, चलो पहले दूसरे सेट को भी लिख लो, उसको मैंने बी बोल दिया, एल एम और एन, ये तीन एलिमेंट इसमें है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज थ्री, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज थ्री, एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी वो भी कितने हैं, वो भी थ्री हैं, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। सो या फिर लिख दो हेयर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी,
और वो भी दोनों कितनी लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन इतना भी सफिशियंट है, एन ए एन बी अगर आपने इक्वल बता दिया तो। सो ए सेट ए एंड सेट बी कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट हैं, आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले को देखो, सेकंड में तीन एलिमेंट है ए में और बी में चार एलिमेंट आ रहे हैं। सेट ए में तो एलिमेंट है आपके पास 389 और सेट बी में एलिमेंट है आपके पास 467 13। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जिसको आप कार्डिनलिटी भी बोल सकते हो सेट बी की, 1 2 3 4, चार एलिमेंट है। हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। सो ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है, ठीक है। नंबर थ्री पे आ जाओ। नंबर थ्री में क्या बोल रखे देखो, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, और क्या कह रहे हैं जो भी है देखो। सेट ए में एलिमेंट क्या क्या आएंगे देखो, मैथमेटिक्स दे रखा पहले, तो वहां से एम आएगा, कोमा ए आएगा, टी एच ई, एम तो रिपीट हो गया, ए रिपीट हो गया, टी रिपीट हो गया, आई सी एस, ये तीनों आ जाएंगे, आई सी एस ये आ गया। बी में देखो, बी में कौन कौन है, एम ए टी सी एच, सारे अलग अभी तक, एम ए टी सी एच, ठीक है, टी सी एच, एल एल भी आएगा, और ई अभी तक नहीं आया तो ई आएगा, डबल एस है, एस अभी तक नहीं आया तो एक बार एस आ जाएगा, दूसरा एस नहीं आएगा क्योंकि एक एस आ चुका, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी सेम आ रहे हैं, ए और बी में दोनों में एलिमेंट सेम आ रहे हैं, उनका नंबर सेम आ रहा है, ठीक है। बेशक ये अलग है, इसमें एल है इसमें एल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। सो ए एंड बी हेंस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में बोल रखे इसने, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो सेट ए में तो एलिमेंट क्या क्या है, 10 से कम प्राइम नंबर, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है जो कि 10 से कम है। और सेट बी, बी में देखो क्या कह रहे हैं, एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवन नेचुरल नंबर जो कि 10 से कम है, तो नेचुरल नंबर तो एक से स्टार्ट होते हैं, तो एक से आगे देखो इवन नंबर कौन, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, लेस देन 10, 10 को शामिल नहीं करना। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 4, और बी में कितने एलिमेंट हैं, 3। तीन क्यों भाई, 8 भी तो आएगा ना, 2 4 6 8, 10 से कम बता रहे हैं, करेक्शन करो इसमें, यहां पे 8 और शामिल करो, 2 4 6 8, इसमें भी कितने आ गए, 4 आ गए, तो दोनों का नंबर सेम है। हेयर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी विच इज 4, सो
दोनों सेट इक्विवेलेंट हो गए, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये दोनों कैसे सेट हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। ओके जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। सिक्स में क्या बोल रखा है, देखो, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इफ इट कंटेन एन एलिमेंट्स। अगर कोई एक सेट है उसमें एन एलिमेंट है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज एन। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एन है तो कितने सबसेट बनेंगे, वो सबसेट का नंबर पूछ रहा है। तो ध्यान देना, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी एन है तो उसमें टू राइज टू पावर एन सबसेट बनते हैं। ओके, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितने आएंगे, टू राइज टू पावर जितनी उसकी कार्डिनलिटी है सेट की, वो पावर लगाने टू की। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड में देखो, सेकंड में सेट बी मान लेता हूं मैं इसको, बी की कार्डिनलिटी कितनी है। अच्छा, क्वेश्चन में तो ए रखे ना, तो बी कैसे मान सकते भाई। अगर क्वेश्चन में जो सेट रखे उसी को लेके चलना, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना है। क्वेश्चन में इसने सेट ए रखा तो ए ही लेके चलेंगे। ए की कार्डिनलिटी यहां पे कितनी है, वन है, यानी ए में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके, सेट ए के, ऑफ सेट ए। तो ये आएगा टू राइज टू पावर कार्डिनलिटी वन, मतलब दो एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, होंगे कौन कौन से, वो जब सबसेट पढ़ेंगे तब क्लियर कर देंगे। सबसेट क्या होते हैं वो भी सबसेट आगे पढ़ेंगे तब क्लियर कर देंगे। ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए, इसलिए मैं इसको यहीं पे लेके सोल्व करवा रहा हूँ। नंबर थ्री में क्या है, देखो, कार्डिनलिटी कितनी है, दो है। तो सेट ए की कार्डिनलिटी यहाँ पे दो रखी है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितना आएगा, टू राइज टू पावर कार्डिनलिटी टू, मतलब चार सबसेट बनेंगे उसके। नंबर फोर पे आ जाओ। नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स में तीन एलिमेंट दे रखे हैं, कार्डिनलिटी एक की कितनी है, तीन है। तो एक की सबसेट कितने बनेंगे वो देखो, टू राइज टू पावर कार्डिनलिटी थ्री, टू क्यूब क्या होता है, एट। तो उसके आठ सबसेट आएंगे, वो कैसे आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सबसेट क्या होते हैं। जैसे सेट ए है वो बी का सबसेट है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ए का हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग कर जाना चाहिए, यानी इसके सारे एलिमेंट बी में आना चाहिए। ठीक है, जो भी इसके एलिमेंट है वो सारे सारे इसमें भी होने चाहिए, वो तो उस केस में ए को बी का सबसेट बोलते हैं। ओके, बाकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वहां से और क्लियर हो जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन पे आते हैं। सेवन्थ में क्या बोल रखे हैं, सेवन्थ में अब की बार आपको सेट दे रखे हैं, और ये कह रहा है कि पहले तो क्या दिए थे, क्वेश्चन नंबर सिक्स में तो नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए थे उस सेट ए के, और यहाँ पे अब की बार सेट ही दे दिया। नंबर आपको खुद ढूंढने हैं और फिर बताना है कि कितने सबसेट आएंगे। तो सपोज जो फर्स्ट वाला है ना, उसको मैं सेट ए बोल रहा हूँ, और इस सेट ए में देखो, सेट ए क्या है आपके पास, ये तो एम्प्टी सेट है। ये कौन सा सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब दैट इज एन ए, यानी सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी हुई, ए में कितने एलिमेंट है, जीरो। तो अब इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट सेट विच इज ए,
सेट ए के सबसेट कितने बनेंगे, 2 raised to power कार्डिनलिटी, और वो कितनी है 0, और 2 raised to power 0 मतलब 1, एक ही सबसेट बनेगा, और वो कौन बनेगा इसका 5, वो कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेकंड देखो, सेकंड में मैं सेट बी लेट कर लेता हूं, और इसमें बी में एक एलिमेंट है और वो कौन है 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 1, इसका मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी है ना बी की वो कितनी है 1 है। तो अब इसका इसमें कितने सबसेट आएंगे वो आप इजीली बता पाओगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने ऑफ, अब की बार सेट चेंज हो गया, बी हो गया तो बी ले लेंगे, 2 raised to power कार्डिनलिटी 1, तो कितना आएगा 2 आएगा, दो सबसेट बनेंगे इसके। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में सपोज सेट सी है, और सेट सी में क्या क्या दर दिया आपको, क्या क्या दर रखा है, 2 9 2 3 9 रखा है, 2 3 9, इसका मतलब इस सेट सी की कार्डिनलिटी कितनी है, दैट इज हिंदी में इसको बोलते हैं अर्थात सी की कार्डिनलिटी आपके पास है 3, 3 एलिमेंट है ना, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे देखो आप इसके, किसके उस सेट पे लिखो ऑफ सी, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 8 सबसेट आएंगे इसके, ओके। हाँ देखो सबसेट पूछ लिया इसने एट्थ में, तो एट्थ पे आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो एट्थ में क्या बोल रखे इसने, नंबर 1 सपोज ये सेट ए है आपके पास, और इसमें एलिमेंट 3 है, क्या क्या है, 1 by 2 1 and π, ये 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके सारे के सारे सबसेट लिखने हैं, तो सबसेट ऑफ सेट ए ये आपको बताने हैं, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, क्या क्या बनेंगे देखो, इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो कितने सबसेट बनेंगे टोटल, 2 raised to power 3 मतलब 8 सबसेट बनेंगे। अब वो 8 सबसेट में दो तो फिक्स हैं, दो तो फिक्स रहेंगे, क्या क्या रहेगा, 5 and itself ये खुद, बाकी कितने बच गए 6 और बच गए। अब वो 6 कैसे लिखे जाएंगे, तो आप इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट से शुरू कर दो, पहला एक एलिमेंट लो, सपोज 1 by 2 ले लिया, ठीक है, ये सबसेट हो गया, और सिंगल एलिमेंट 1 ले सकते हो आप, और इसका सिंगल एलिमेंट पाई ले सकते हो आप, सिंगल सिंगल हो गए, अब डबल डबल, दो दो एलिमेंट ले लो, सपोज शुरू के दोनों ले ली 1 by 2 और 1, फिर 1 और पाई ले सकता हूँ डबल एलिमेंट, फिर 1 by 2 और π ये ले सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि 1 by 2 π ले लिया, सर पाई और 1 by 2 ले लो, ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं यहाँ पे, ठीक है, 1 by 2 लिखो या 1 by 2 π लिखो या π, 1 by 2 लिखो, एक ही बात है, वो एक ही काउंट होगा, ओके, तो बार बार मत लिखना उसको, और डबल हो गए, ट्रिपल तो हम लिख चुके हैं, तो काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही होने चाहिए थे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में क्या बोल रखे हैं, सपोज सेट बी है वो, और उसमें एलिमेंट है ABCD, 4 एलिमेंट है ABCD, तो इसके सबसेट बनाओ, सबसेट ऑफ बी, इसके नीचे स्पेस कम रहेगा इसलिए मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, ऑल सबसेट ऑफ बी आर ऑफ बी आर, क्या क्या बनेंगे देखो, 5 and itself ये तो होंगे होंगे, टोटल कितने बनेंगे, 4 एलिमेंट है 16 बनेंगे, 2 raised to power 4 16 इसके सबसेट बनने जा रहे हैं। अब देखो 5 and itself ये दो तो होंगे होंगे,
अब बाकी जो बच गए 16 में से दो लिख दिए, 14 बचे, वो कैसे? सिंगल सिंगल लिखो, पहले ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब डबल डबल ए बी आ गया, और देखो डबल में कैसे लिख सकते हो, ए सी आ गया, ए डी आ गया। अब बी सी, बी और डी आ गया। बी ए मत करना क्योंकि ए बी बी ए एक ही बात है। अब सी के साथ सी डी ले लो, सी भी मत लेना, बी सी सी भी एक ही बात है, सी डी आ गया। अब तीन तीन एलिमेंट ले लो, तो तीन में कौन कौन आएगा? सपोज मैं स्टार्टिंग के ए बी सी ले लूं, ए बी सी और ए बी डी और ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया। अब बी सी डी, ठीक है, और चार, चार तो पूरे हो ही चुके हैं। तीन में यही बन सकते हैं या कोई और बनेगा? तीन एलिमेंट के साथ ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, बी सी डी हो गया, और कौन बच गया? कोई नहीं, काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, एक और बच गया। देखो कौन, सिंगल हो गए, डबल में ए डी हो गया क्या? ए डी हो गया, सी डी हो गया, सी डी ये भी हो गया, एक बार चेक करो, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया, ओके, सी डी हो गया, ओके, ए बी सी हो गया, ए सी डी, ए सी डी नहीं हुआ, ए सी डी और आएगा इसमें, ठीक है। अब सारे आ गए, अब आप चेक कर सकते हो कोई नहीं बचा, ठीक है। ये इस टाइप से आपको सबसेट लिखने होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन्थ में इसने बोल रखे हैं कोई एक सेट दे रखा है, सपोज सेट ए है आपके पास, और उसमें एलिमेंट क्या क्या हैं? ए बी एंड सी, ये एलिमेंट है, ठीक है जी। कितने एलिमेंट है? दो। ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसको, ऑर्डर्ड पेयर को, ठीक है। और ये सी, तो इसमें दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है। पूछा कि इसने पावर सेट पूछा है। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दैट सेट। जैसे ए का पावर सेट पूछा है ना, तो ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब का कलेक्शन कर दो, यानी उन सब का एक सेट बना दो, वो तो वो जो सेट आएगा वो पावर सेट होगा, ठीक है। तो इस सेट ए में कितने एलिमेंट है? दो। ये पूरा एक माना जाएगा, और एक ये दो एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनेंगे? 2^2 4, चार सबसेट बनेंगे इसके, ठीक है। तो पहले मैं इसके सबसेट लिखता हूं, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, देखो क्या क्या बनेंगे। ए के सबसेट फाई एंड इट सेल्फ, ये तो आपको स्टार्टिंग में लिखना ही है, इट सेल्फ मतलब ये पूरा खुद एज इट इज, ठीक है। अब सिंगल सिंगल ले लो, तो ये पूरा सिंगल एलिमेंट है इसका, तो मैंने इस सिंगल को लिखा पहले। अब एक सबसेट में दूसरे सिंगल को लिख दो, अब डबल को, डबल तो हम लिख चुके हैं, बस हो गए, एक दो तीन चार, हो गए चार सबसेट। अब इनका कलेक्शन कर दो, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इसको, तो वो पूरा क्या होगा? पावर सेट, और उसको हम कैपिटल पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे। इसने पी ए पूछा ना पावर सेट, ये पी होता है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट करो, यहां पे बंद कर दो, बस फाई ए बी कोमा एक्स, सॉरी कोमा सी, और ए बी और सी। तो ये जो भी सबसेट थे इनका हमने कलेक्शन कर दिया, ये लो जी एक सेट बना दिया, तो ये जो सेट आया इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए, ओके, ठीक है। टेंथ पे आते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं। देखो टेंथ में क्या बोल रखा है इसने, सेट ए आपको दे रखा है और सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एलिमेंट्स है इसमें, 10 एलिमेंट है।
नंबर वन क्या पूछा है इसने, राइट द सबसेट ऑफ सेट ए कंटेनिंग ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नंबर को कंटेन करने वाला इसका सबसेट, तो ऑड नंबर वाला सबसेट लिख दो। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया बी, बी इसका सबसेट है जो किसको कंटेन कर रहा है, ऑड नंबर को, लेकिन ऑड नंबर इन्हीं में से लेने हैं तभी इसका सबसेट माना जाएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर कौन है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। सबसेट में मैंने क्या बताया था, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाने चाहिए, तो हम इस बी को ए का सबसेट बोलेंगे। तो देखो ये सारे सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, और कौन से एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जो कि इसमें ओड नंबर है वही इसमें है। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, राइट द सबसेट ऑफ ए, ए का वो सबसेट दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर। अब की बार इवन वाला लेना है, सपोज मैं सी सेट ले रहा हूं, तो इसमें से इवन को छाट के लिख दो, 2, 4, 6, 8 एंड 10। नंबर थ्री, थर्ड में क्या पूछा इसने, राइट द सबसेट ऑफ ए, ए के वो सबसेट लिखो दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं हो, तो कोई एलिमेंट नहीं हो ऐसा सबसेट कौन होता है, 5, तो क्या आएगा इसमें, 5, या फिर हो सकता है बुक वाला ऐसे लिख दे, एक ही मीनिंग है, दोनों ही क्या है, नॉन एम्प्टी, वो वर्ड सेट है, एम्प्टी सेट है। ओके, अब आते हैं 11th पे, तो 11th में इसने बोल रखा है आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको हम अच्छे से डेफिनेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो भी आप सेट ले रहे थे ए बी सी डी जो भी करके थे, वो किसी न किसी सेट के सबसेट बनते हैं, तो जिस सेट के सबसेट बनते हैं ना वो होता है हमारा यू, यूनिवर्सल, यानी इसी में से निकलते हैं ए बी सी डी करके जो भी है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो 0 to 9 एलिमेंट वाला सेट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार चेक कर लो, कभी कोई मिस हो, कंटिन्यू है सारे। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, अब इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने, जैसे कि पहला आपके पास सेट ए है, ठीक है, और वो सेट उसमें एलिमेंट है 1, 2, 7, तो इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है किसी भी सेट का, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना आपको, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, और उस कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर ए पावर सी कर दो, एक की मीनिंग है, इसका मीनिंग भी ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका मीनिंग भी ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो निकालना कैसे होता है, जो यूनिवर्सल सेट है ना उसमें से उस सेट को माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ए को माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस कैसे करते हैं सेट को, ये जो आपके पास सेट है इसमें से वो एलिमेंट रिमूव कर दो जो ए में आ रहे हैं, तो इसमें से 1, 2, 7 जो आ रहे हैं ना इनको हटा दो, 1 को 2 को 7 को हटा दो, क्या क्या बचेगा आपके पास, 1, 2, 7 हटाने के बाद, 0, 1, 2 हटा दिया, 3, 4, 5, 6, 7 को हटा दिया, 8, 9, ये क्या आ गया, एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट है ये। नंबर टू, नंबर टू क्या है, सेट बी, और बी सेट में एलिमेंट है 2, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 5, 7, 9, निकालना क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल में से इसमें से ये एलिमेंट हटा दो, क्या क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 हट गया, 3 बचेगा, 4 हट गया, 5 हट गया, 6 बचेगा, 7 हट गया, 8 बचेगा, 9 हट गया, और कोई नहीं बचा, तो कोमा मत लगाओ फिर, लास्ट यही था 8। ठीक है, नंबर थ्री पे आ जाओ, थ्री में क्या कह रहा है, सपोज सेट सी है और वो क्या है, 5। ठीक है, ये जो 5 है ना इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए था, क्यों, 5 इसमें है ही नहीं, अगर 5 को अपने ब्रैकेट में लिख दिया इसका मतलब ये एक एलिमेंट हो गया, तो ये ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको रिमूव कर दो, मिसप्रिंट है ये, यहाँ पे इसकी बात कर रही है, तो 5 को छोड़ दो, अब 5 को छोड़ दिया आपने, तो 5 को हटा दो, 5 को हटाने के बाद क्या बचेगा, ये सारे का सारा यही बचेगा। ठीक है, तो ये याद भी रखना आपको, अगर नल सेट आपको दे रखा है तो उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ही होता है, ये याद रखना। ठीक है,
नल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट का या फिर वॉइड सेट बोले एक ही बात है, वॉइड सेट एम्प्टी सेट नल सेट एक ही बात है। तो नल सेट का या एम्प्टी सेट का या वॉइड सेट का जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है, ये ध्यान रखना। नंबर फोर, नंबर फोर क्या है उसमें सेट दे रखा है डी, और डी क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये देख रहे होंगे आप ये पूरे का पूरा यू ही आ गया, तो ये डी और कोई नहीं यूनिवर्सल सेट है, नाम चेंज करके आ गया बस। तो इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है नल फाई। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो यूनिवर्सल में से माइनस करके, तो यूनिवर्सल में से इसको माइनस करोगे तो सेम एलिमेंट सारे के सारे रिमूव हो गए, कट गए सारे, क्या बचा कुछ नहीं, मतलब फाई बचेगा, नल सेट बचेगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कर लिए। ठीक है, तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें सबसेट को पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है उनको पढ़ेंगे।